सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस कंटेंट द मेन इशू ऑफ आर इंडस्ट्री, जो जो हम ड्रामास में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, कितना कंटेंट इज द प्रॉब्लम? आई वुड से एब्सोल्युटली कंटेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ. कोई किसी भी बात लग रही है, रिपीट करना उसको, कि सास बहू वही घरेलू मसले मसाइल, हम लोग उससे बाहर निकल ही सक रहे. अगर हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, भी हम कॉमेडी में जाते हैं, हम थ्रिलर में जाते हैं, बट समहाउ वो भी सेंटर्ड ऑन फैमिली ही होता है. तो इंडिया में देखते हैं, हमारे जो नेबरिंग कंट्री है वो इतना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिफरेंट एवेन्यूज हैं, डिफरेंट जॉनर्स में जा रहे हैं, हम लोग वही मसले मसाइल लेकर और पता नहीं हम फंस चुके हैं एक सर्कल में. So content is a big issue, I feel. हाँ, so but like you know sometimes ये होता है कि channels blame करते हैं कि ओ viewers को देखना ही यही है, इसलिए हम ये play कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है, is viewers viewers the main culprit over here? क्योंकि हमारे हमारी आवाम को देखना ही वही है, तो channels बार बार उसको repeat करते रहते हैं. अच्छा, I feel कि एक तरह से channels भी सही कह रहे हैं, because at the end of the day उन्हें देखना है rating कहाँ पे आ रही है, उन्हें ads कहाँ पे मिल रहे हैं, तो उसी content को चलाएंगे. बट कहीं ना कहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि पूरी आपके मुल्क को, पूरी नेशन को आपने थोड़ा एलिवेट करना है. आप ये नहीं कह सकते कि अगर सबको बुरी कंटेंट पसंद है, उनको बुरा कंटेंट ही देते रहे. आपने टेस्ट बदलने, आपने कोशिश करनी कि आप अपने मुल्क का टेस्ट थोड़ा इवॉल्व करें. तो आज थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी है कि आप थोड़ा सा मच्योर, थोड़ा सा इंटेलिजेंट कॉन्टेंट लेकर आए. आई एम नॉट सेइंग आप एकदम से बिल्कुल इसको 360 बदल दें, बट थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा हम प्रोग्रेसिव कॉन्टेंट तरफ बढ़े, थोड़े प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स होए, थोड़े हट कर कुछ करने की कोशिश करें हम लोग. या आई इवन रिमेंबर मैं ये किसी से डिस्कशन भी कर रही थी कि यू नो लाइक कि अगर चार ड्रामे आप अपने रेटिंग्स के लिए चलाते हैं, तो उसी जगह आप दो ड्रामे ऐसे डालें विच इज़ मोर फॉर अवेयरनेस, के लोगों को पता चले या किसी टॉपिक पे आप कम अज़ कम सोच पाएं. बल्कि मुझे याद है एक एक्टर से मैं बात कर रहा था, एक सीनियर एक्टर, उन्होंने अपनी एग्जांपल दी थी. उन्होंने कहा था मैं जो ड्रामे साइन करता हूं ना, तो मैं कोशिश करता हूं कि तीन ड्रामे पैसों के लिए करूं मैं, रेटिंग के लिए करूं मैं, और एक मैं करूं जो अच्छा स्क्रिप्ट हो. तो सिमिलरली इनको भी चाहिए कि ड्रामे रेटिंग वाले भी बनाए, बट बीच में कुछ एक आधा अच्छा ड्रामा भी आए हर चैनल की तरफ से. और आपको नहीं लगता कोई भी एक ऐसा चैनल है जो मतलब कैन कैन से कि हम लोग ऐसा करते हैं? अच्छा, जो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, और बी एट यू नो आई सी नॉट ऑफ ड्रामास ऑन हम टीवी जो कहीं ना कहीं थोड़े हटके हैं, मतलब वो अब ये दिल मेरा था उसमें भी थोड़ा एक्सेलर एलिमेंट था, प्यार के सदके था, तो बहुत कुछ ना कुछ वो हटके करने की कोशिश कर रहे हैं. बाकी अभी जियो तो बिल्कुल ही आई फील लाइक वो फंस चुके हैं, एक उनका एक फॉर्मूला बन चुका है, उनका हर ड्रामा उसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है. एआरआई ट्राइज टू डू थिंग्स हियर इन देयर, बट हाउ आई फील इज सॉर्ट ऑफ लीडिंग एट दिस फ्रंट. ओके, फेयर. सो हम अक्सर बात करते हैं फॉरेन कंटेंट की. हमारे पास ब्रांडिंग है, स्पॉन्सरशिप है, यू नो द आवाम है, ऑडियंस है देखने के लिए. लेकिन एक जगह जहां हम बहुत उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम बहुत इनसिक्योर भी फील कर रहे होते हैं. तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? द फनी पार्ट इज इनसिक्योर एक्टर्स में भी सब एक छोटा चंक है जो फील कर रहा है. इनिशियली आई फेल्ट कि जब ऑब्वियसली एक फ्री मार्केट है, मसला हुआ था ब्रांड्स के बिना, ब्रांड एंडोर्समेंट से, कि उनको ब्रांड क्यों मिल रहे हैं एक्टर्स को. तो फिर से फ्री मार्केट जिसको जो डिमांड सप्लाई की गेम है सारी, उन्हें लग रहा है कि लोग इस एक सेलिब्रिटी को ऑन बोर्ड लाने से ज्यादा माइलेज मिलेगी, ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, वो क्यों नहीं लाएंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे आई ऑल्सो फील कि अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेड कॉन्टेंट आता है, तो देन इट्स ट्रबल फॉर आवर इंडस्ट्री. हम लोग अभी एक बेबी स्टेप्स ले रहे हैं यू नो बढ़ने की तरफ, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल होना चाहिए. बट अगेन इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि कितना कंट्रोल होना चाहिए. एक अर्थबल से कुछ मसला नहीं होता, बट अगर सब ड्रामे, मुझे याद है कुछ साल पहले जब इश्के ममनू आया था, उसके बाद चैनल्स लॉन्च हो गए थे, सिर्फ टर्किश कॉन्टेंट ही चलाते थे, दैट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. अभी के लिए अभी एक ड्रामे से इतना इशू नहीं होना चाहिए. तो ज्यादा लोग इनसिक्योर है भी नहीं, कुछ ही लोग हैं बस जो अपनी आवाज उठा रहे हैं. आवाम खुश है, इंडस्ट्री खुश है, बस कुछ लोग इग्नोर ही करना चाहिए मेरे ख्याल से. लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इंडियन कंटेंट या इवन फॉरेन कंटेंट जो हम जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, तो श्योर मतलब उनको लोग एम्बेसडर्स नहीं बना सकते, लेकिन अक्सर इंडिया में इफ हालात बेहतर होते, आई थिंक दैट वाज आल्सो पॉसिबल. हम लोग एक एक्सचेंज हो रहा था ऑफ आर, तो उस वक्त किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट आई थिंक दिस इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ हिपोक्रेसी आई वुड से. अच्छा, आई एग्री विद यू कि इंडियन कंटेंट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थे हमारे चांस पे लग रहा था, मुझे ज्यादा बहुत 5-6 शोज लग रहे थे, तब आवाज ज्यादा नहीं उठी थी, विच इज फनी. अर्थवर्ल्ड के बारे हुआ है कि इट्स बिकम अ मैसिव हिट एंड इट्स ऑन पीटीवी. तो बाकी चैनल थोड़े से घबरा रहे हैं कि भाई हम लोग अपने प्रोडक्शन हाउसेस थे, हमारे चैनल थे, पीटीवी वाज नेवर इन द गेम एज सच. तो एक चैनल जो गेम में था भी नहीं, उस पर इतनी रेटिंग आ रही है, थोड़ा सा इंडस्ट्री थोड़ी हिल के रह तो गई है. बट आई फील इतना बड़ा इशू नहीं है, ये सोशल मीडिया पर बात को ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है, दैट्स व्हाट आई फील. ठीक है, बट अदरवाइज यू आर ओपन के फॉरेन कंटेंट देखने से हमको भी मतलब यू नो इट्स वही बात जो आ गई हमारी कंटेंट की, कि कंटेंट हमारा शायद इतना अच्छा नहीं है, इसलिए लोग दूसरी और बाकी चीजें देखना चाह रहे हैं ना.
absolutely. लेकिन हम उनसे पता compare कर सकते भी नहीं है. बिल्कुल. एक episode का budget जो है हमारे वो पूरे show का budget से कम होता है, तो you can't really compare. It's unfair. It's apple and oranges एक तरह से. ठीक है. Okay, okay, fair. That's absolutely fine.